अच्छा, मैं अगर आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लैशबैक में जा रहे होंगे, आपके ड्रामे याद करेंगे, जिस जमाने में सड़कें खाली हुआ करती थी और हम टीवी के आगे बैठे होते थे, अब ये एपिसोड आने वाला है, अब ये एपिसोड आने वाला है. सो अगर मैं आपके फ्लैशबैक में जाती हूँ, आपके बचपन में जाती हूँ, होता है हर किसी का ख्वाब कि मैंने बड़े होके ये बनना है, ये बनना है, इस बच्चे का क्या ख्वाब था? मैं बहुत छोटे होते, ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी थी. अच्छा. और मुझे याद है कि मैं कौन सी उम्र से शुरू कर दिया था? बहुत छोटी उम्र थी, मेरा ख्याल है मेरी उम्र होगी 3 साल. अच्छा. मैं घर की सारी दीवारें भर लिया करता था कोयले से या पेंसिल से. और कोई डांट वांट नहीं पड़ती थी इस बाहर में? नहीं, मेरी वालदा ने कभी मुझे नहीं डांटा. अच्छा. बल्कि मुझे याद है कि रात को वो दीवारें साफ करती थी और अगले दिन मैं फिर हमलावर हो जाता था, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया. जब मैं ज़रा सा बड़ा हुआ तो मौलवी साहब पढ़ाने आए. अच्छा. उनको जब पता चला कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये मत करो, ये तो हराम है और तुम्हें सांस इसमें भरनी होगी. मैं डर खौफजदा हो गया. और वालदा से मैंने कहा कि जी दादा कहते थे हम, कि ये मौलवी साहब ने ये कहा. तो उन्होंने मौलवी साहब को एक बद्दुआ दी कि दफ़ा करो उसको, तुम करते रहो. मेरी वालदा बिल्कुल ही अनपढ़ थी. हाँ. लेकिन इंतहाई वाइज खातून थी. ओके. कभी उन्होंने मुझे अबू मेरे अबू पढ़े लिखे थे और हाँ. वो भी आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, लेकिन सैयद होने की वजह से और फिर पश्तून होने की हाँ. वजह से ज़रा कंजर्वेटिव थे. मौसीकी वो सुनते थे. अच्छा. हमारे घर में कोई 3-4 माह के बाद एक महफिल हुआ करती थी. ओके. मेरे जिनसे मैंने सीखा, उस्ताद अरबाब खान खोसा साहब, वो अक्सर आके गाते थे क्लासिकल हाँ. काफियाँ और गज़ल. तो जो आप ये आर्टिस्टिक थे, ये चीज़ आपने जीन्स में किससे ली, अम्मी से के अब्बू से? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से. मेरे ताया भी बहुत सेल्फ टॉट बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे. अच्छा. स्कल्प्टर थे. लाहौर म्यूज़ियम में भी उनके छोटे छोटे मॉडल्स अभी तक पड़े होंगे. हाँ. जब पाकिस्तान और अभी ये तकसीम नहीं हुई थी उस ज़माने में क्वेटा में ये जो हिंदुओं के बड़े बड़े त्यौहार होते थे. अच्छा. जिसमें रावण वगैरह बनाए जाते हाँ. थे. 30-30 फुट ऊंचे रावण वो बनाते थे. जी हाँ. वो खुद रबाब भी प्ले करते थे. अरे, तो ये और, जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यश मगिल हियर. प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एयर बाय डिजिटल टू स्टे अपडेटेड.